हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू NSB पिक्चर्स। गाइज आप लोग Lightroom मोबाइल का यूज़ जरूर से करते होंगे अपनी फोटो को रिटच करने के लिए, बट आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा स्टेप कब करना है एंड फोटो को स्टेप वाइज एडिट कैसे करना है। इसलिए आज की इस वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी फोटो को Lightroom के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिटच कैसे कर सकते हैं एंड ये सारा कुछ आपको मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, मतलब कौन सी चीज़ पहले करनी है एंड नेक्स्ट उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी इस वीडियो में एंड मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, अपनी फोटो हम यहाँ से शेयर करेंगे एंड इसको ओपन करेंगे Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपकी फोटो Lightroom के अंदर चली जाएगी। अब चलते हैं वापस Lightroom के अंदर। सो भाई यहाँ पे हमने Lightroom को ओपन कर लिया है, यहाँ पे ये हमारी फोटो भी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको अपनी फोटो को पहले कलर करेक्ट करना है, कलर ग्रेडिंग से पहले आपको कलर करेक्ट करना है एंड उसके लिए आपको अपनी फोटो में जो दिक्कतें हैं, जो गलतियाँ हैं अपने शूट करते टाइम, उनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस फोटो का ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए फोटो में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है एंड कहीं पर शेडो कहीं पर लाइट है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो यहाँ से ऑटोमेटिक इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटो वाला टूल है, देखिए बहुत ही हल्का इसने कुछ चेंज किया है बट मेरे को ये खास लगता नहीं, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ पहले एंड जो मैनुअली हमारा ऑप्शन है वो हम करते हैं। तो हम यहाँ से लाइट्स में चलेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे शेडोज़ को बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारी फोटो में जो भी चीज़ें डार्क हैं, जहाँ पे शेडो बहुत ज़्यादा आ रही है, वो हमारी सही हो जाएंगी शेडो को बढ़ाते ही। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फोटो में वाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेंगे, तो ये काउंटर हो जाएगा। इसके बाद हमारी फोटो दोपहर को हमने क्लिक की थी तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा था धूप में, तो हम इसका कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा कम करेंगे, सही है। इसके बाद इस फोटो में जो वाइट्स हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट पार्ट है जैसे स्काई, उसको भी हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि उसमें थोड़ी सी डिटेल हमारी वापस आ पाए एंड जो एग्जैक्ट ब्लैक्स हैं उसको आप देख सकते हैं बढ़ा के या घटा के, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा ताकि जो हमारा जो फेड आया फोटो में वो भी सही हो जाए। तो ये हमारी फोटो यहाँ पे कलर करेक्ट हुई, आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, काफ़ी हल्का चेंज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही अपनी फोटो को आप आगे रिटच करोगे। सो ये तो हमारा पहला स्टेप हो चुका है जहाँ पे अपनी लाइट्स को हमने करेक्ट किया है। इसके अलावा हमारा सेकंड स्टेप है कि अपने कलर्स को हमें करेक्ट करना है। कलर्स को कैसे करेक्ट करना है, कई बार क्या होता है आपकी फोटो में वाइट बैलेंस खराब आ जाता है या आपकी फोटो में जो टिंट है वो खराब रहता है कुछ लाइटिंग कंडीशन की वजह से या कुछ आपकी कैमरा सेटिंग की वजह से, लेकिन उसको आप पोस्ट में भी सही कर सकते हो, मतलब उसको आप एडिटिंग में भी सही कर सकते हो। जैसे मेरी फोटो आप देखिए थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ पर टेम्परेचर लग रहा है इसका, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, इसको ब्लू टोन में, इसको रेड टोन में, जैसे भी आप चाहो रख सकते हैं। तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करूँगा एंड इसका जो टिंट है फोटो में आप देखिए थोड़ा सा ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मजेंटा की साइड रखूँगा, तो जो आपको सही लगेगा वो रख सकते हैं, मैं इसको मजेंटा रखूँगा थोड़ा सा। एंड अब आप देखिए इस फोटो में जो कलर्स है वो बहुत डल है, जैसे आपको मेरे कपड़े दिख रहे हैं या नीचे जो ये पत्तियाँ दिख रही है ये बहुत ज़्यादा डल लग रही है, कलरफुल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसका वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा, तो इसका वाइब्रेंस बढ़ा के इसमें कलर हमारा वापस आ जाएगा। अब देखिए वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन दोनों टूल्स बिल्कुल सेम ही काम करते हैं आप देखिए, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि सैचुरेशन से आपकी पूरी फोटो की सैचुरेशन एक साथ बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ वाइब्रेंस बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ उन कलर्स की सैचुरेशन बढ़ाता है जो आपकी फोटो में कम लग रहे हैं, मतलब जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है सैचुरेशन बढ़ाने की। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, वाइब्रेंस को आप बढ़ाएंगे तो आपकी फोटो में जो कलर डल है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हमारी फोटो में लाइट एंड कलर को हमने करेक्ट कर लिया है। अब मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप पे जो कि हमारा कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग के लिए आपको चलना है यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कलर खुल जाते हैं, इसको बोलते हैं HSL पैनल, मतलब ह्यूज सैचुरेशन एंड लुमिनेंस पैनल। इसमें आप तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी कलर का ह्यूज सैचुरेशन एंड लुमिनेंस, तो आपको इतने सारे कलर्स देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको चलना है यहाँ से ऑरेंज कलर, जो कि हमारी स्किन का कलर रहता है, इसको आप लुमिनेंस बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, इसका आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी जो है कलरफुल हो जाए एंड आप चाहो तो इसका ह्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा रेड है तो मैं इसको थोड़ा सा येलो कर सकता हूँ। इस तरीके से आप किसी भी कलर की तीनों चीज़ें छेड़ सकते हैं। अब आपको देखना आपकी फोटो में कौन कौन से कलर है, जैसे मेरी फोटो में देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर की शर्ट है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्लू कलर में एंड इसका मैं आप कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैं इसका ह्यू चेंज करूँगा, तो यहाँ पर मेरी शर्ट है ये बिल्कुल कलर उसका अफेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे रख दूँगा एंड मैं चाहूँ इसकी लुमिनेंस कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ एंड मैं चाहूँ इसका सैचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा फोटो में देखिए ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं, तो इनको भी हम जाकर यहाँ से ह्यू चेंज कर सकते हैं एंड इनको हम रेड बना सकते हैं, और जो ये येलो है इसको भी हम ऑरेंज बना सकते हैं। सो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे टील एंड ऑरेंज लुक हमारी आसान तरीके से आ चुकी है। तो ये स्टेप में हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से एक टोन बना लिया फोटो की, जो कि टील एंड ऑरेंज टोन है। बिफोर आफ्टर आप देखिए फोटो में हमने जो कलर ग्रेडिंग की है एंड कलर करेक्शन की है, काफ़ी सही अभी तक हमारी फोटो लग रही है। इसके अलावा आपकी फोटो में और भी अगर कोई भी कलर, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब सारे कलर्स को सेट करने के बाद आप इसमें जो है ओवरऑल कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से डन करना है एंड ऊपर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप हाईलाइट शेडो एंड मिड टोन के लिए अलग से कोई भी कलर टोन इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जाऊँगा ये हाईलाइट्स है, ये मिड टोन्स है एंड ये शेडोज है, तो सबसे पहले मैं हाईलाइट्स को चूज करूँगा एंड यहाँ पे देखिए हम कोई कलर टोन चूज कर लेते हैं, जैसे मैं ये हल्की सी ब्लू टोन रखूँगा इसमें, ओके। एंड अब चलते हैं यहाँ से शेडो में, शेडो के लिए आप कोई कलर चूज कर लोगे,
तो मैं ये हल्की सी ऑरेंज शेड है जो ये रखूँगा। सेम आप ओवरऑल फोटो के लिए भी कोई कलर टोन चूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए ये ओवरऑल फोटो के लिए आप कोई भी एक ग्रेडिंग टैब यूज़ करके कुछ भी कलर बना सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ उसको ऐसे रख सकता हूँ। सो डन है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हम डन करते हैं। लेकिन कलर्स मेरे को थोड़े से ज़्यादा मजेंडा लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा येलो साइड ले जाऊँगा, मतलब नॉर्मल रखूँगा। एंड टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करके। सो यहाँ पे देखिए ये हमारी कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट भी पूरा हो चुका है। अब मूव करते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जो कि हमारी फोटो में डिटेल ऐड करना। उसके लिए आपको चलना है इस वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पे देखिए क्लैरिटी, क्लैरिटी को आप बढ़ाएंगे तो आपकी फोटो में एक HDR लुक सी आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारी फोटो में थोड़ा सा HDR इफेक्ट आ जाए। इसके ऊपर है टेक्स्चर, अगर आपकी फोटो में आपको ज़्यादा लग रहा है टेक्स्चर तो आप उसको कम कर सकते हैं, आपकी फोटो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप जस्ट स्किन को रिटच करें तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा ही कम करूँगा। इसके बाद आपका विनियर से क्या होता है, आपकी एजेस थोड़ी सी डार्क हो जाती है, जैसे देखिए ये, तो ये आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको जस्ट थोड़ा सा छेड़ना है हल्का सा। एंड इसका आप मिड पॉइंट भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इसका मिड पॉइंट कम ही रखें तो ये सही लगेगा। यहाँ पे आपकी फोटो में डिटेल्स ऐड हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अपनी फोटो में आप शार्पनेस कैसे ऐड करोगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर किसी की भी फोटो देखो तो थोड़ी सी शार्प लगती है। आप मेरी फोटो भी चेक करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये फोटो शार्प कैसे दिख रही है। इसका एक ही सीक्रेट है कि आप अपनी फोटो में एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड करो, वो आप कर सकते हो यहाँ से शार्पनेस में जाके, एंड यहाँ से आप इसकी शार्पनेस पूरी बढ़ा दोगे तो आप अपनी पूरी फोटो को देखिए बिल्कुल ये शार्प हो चुकी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपकी स्किन को भी इसने शार्प कर लिया एंड बिल्कुल एक प्लास्टिक सी लग रही है स्किन, तो आप इसकी मास्किंग कर सकते हैं जिससे कि ये आपके सिर्फ एजेस को शार्प करेगा जो आपकी फोटो में दिखती है। जैसे देखिए ये मास्किंग का एक टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको आप दोनों फिंगर से टैप करेंगे तो आपके पास ये एक आउटलाइन दिखाएगा, जो भी पार्ट आपका वाइट है मतलब उस पार्ट की जस्ट ये शार्पनेस बढ़ा रहा है। तो मैं अपनी एजेस को सिर्फ छोड़ूंगा यहाँ पे इतना, एंड इसकी मैं पूरी शार्पनेस बढ़ा दूंगा। सो देखिए हमारी एजेस बिल्कुल शार्प हो चुकी है एंड जो हमारी स्किन था उस पर कोई भी फर्क इसमें नहीं आया। सो ऐसे देखिए हमारी ये पूरी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है एंड ये रिटचिंग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर ली है। पहले जो मैंने आपको टोन बताई ये थी टील एंड ऑरेंज टोन, आप चाहो इसमें कोई भी टोन डाल सकते हैं एंड इवन आप लाइटरूम के प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट बना के रखे हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ प्रीसेट आपको कैसे लगाने होते हैं। बैक चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं कोई प्रीसेट की फाइल। सो देखिए यहाँ पे मैं अपने एक ये डीप ब्राउन वाले प्रीसेट को लेके आया हूँ जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स को करूँगा कॉपी एंड इसमें आपको मैनुअल कुछ भी करने का झंझट नहीं है। यहाँ पे मेरी एक ये फोटो है, इस पर मैं जस्ट इसकी सेटिंग पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा तो एक क्लिक में हमारी ये पूरी फोटो को एडिट कर लेगा। अब आपको ये देखना कि आपकी फोटो के लिए कौन सा प्रीसेट बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रीसेट तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, उनका सभी का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उनमें से जो भी प्रीसेट आपको अच्छा लगे आप उसको चेकआउट कीजिए एंड अपनी फोटो पे यूज़ कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको रिटचिंग अब बहुत आसान तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एंड अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है तो मैं चाहता हूं आप अपनी एक फोटो लीजिए एंड उसको एडिट कीजिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। एंड अगर आपकी फोटो अच्छे से एडिट हो जाए तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर से कीजिए एंड हाँ यार मुझे फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे काफ़ी कमाल की फोटोज एंड रील्स में डालते रहता हूँ। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो को लाइक करके जाइए एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।